हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम फोटो एडिटिंग करने वाले हैं दिवाली के लिए। दोस्तों दिवाली आने वाले हैं, अगर आप भी चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि दिवाली के लिए फोटो एडिटिंग करें, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ। क्विक आर्ट ऐप के अंदर फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, बहुत ही क्रिएटिव फोटो एडिटिंग करने वाले हैं दिवाली के लिए। तो गाइज, आप भी चाहते हैं फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा अपना चैनल पर लाते रहता हूं। तो दोस्तों लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना पिक आर्ट ऐप को ओपन कर लेना है, उसके बाद से ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप में ये बैकग्राउंड नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, या मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इसी प्रकार के आप एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, आप अपना एक मॉडल फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, आप जिसको जिस फोटो लगाकर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो एक मिल जाएगा ऑप्शन ऐड फोटो का, ठीक है दोस्तों। ये ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों वो जो मॉडल फोटो होगा आपका, मॉडल फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मॉडल फोटो को आपको PNG काटना होगा। अगर PNG काटने के लिए नहीं जानते हैं तो उसको भी वीडियो में पहले बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद से सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फोटो को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको एक और पिक का जरूरत पड़ेगा, फोटो का जरूरत पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखा दूँ कैसा पिक है। फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, मतलब जो फोटो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ मैं जो फोटो को मतलब सिलेक्ट करना चाहता हूँ, वो फोटो को मैं सिलेक्ट करके उसके बाद ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ से क्रॉप कर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ा सा दोस्तों इसको क्रॉप कर लूँगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करूँगा तो दोस्तों यहाँ ब्लेंड वाला ऑप्शन मिल जाता है। ब्लेंड वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ स्क्रीन वाला ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ जो इतना ब्लैक कलर का था, ये सब कुछ हट चुका है और बहुत ही क्रिएटिव यहाँ है, तो दिवाली जो है लग रहा है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, एक और फोटो को सिलेक्ट करना है जो कि बहुत ही क्रिएटिव फोटो है। उसको भी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप क्रोम ब्राउजर या गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर से वो फोटो को सिलेक्ट करेंगे जो अभी लगाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं वो फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर से दोस्तों इसी प्रकार से आपको इसको फोटो को जूम कर लेना है, ठीक है। जूम करके इस प्रकार से थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों फिर से इसको ऐसे ही करना है, नीचे की तरफ जाएंगे तो ब्लेंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं बहुत ही क्रिएटिव फोटो एडिटिंग हो चुका है, एकदम से दिवाली के लिए बहुत ही क्रिएटिव फोटो यहाँ एडिटिंग हो चुका है। इस प्रकार से आप दिवाली के लिए फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ गाइस देख सकते हैं बहुत ही क्रिएटिव फोटो एडिटिंग हो चुका है। अगर आप भी इसी प्रकार का फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा अपना चैनल पर लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।